मेहरबानी करके आप कुछ रोशनी डाली इस टूर्नामेंट के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मुझे याद है आज से 25 साल पहले मैं इस ग्राउंड में आया करता था, शायद आप सबको पता नहीं होगा मेरे नानी हाल इधर है, पहले था। लेकिन उन दिनों क्या होता था, संडे को हम आते थे, लगभग कम से कम 10 या 15 टीमें एक साथ खेलती थी, इतना बड़ा ग्राउंड था। मुझे आज पता नहीं है इतना छोटा कैसे हो गया। लेकिन आप लोगों के लिए सबसे बेहतर ये है कि जो यहाँ के किशोर आवाम है, मैं यही कहना चाहूंगा आप सबसे बात कीजिए, क्योंकि आजकल आप देखोगे सपोर्ट तो सबसे ज्यादा तरजीह दी जा रही है। अगर आपको फिट रहना है तो आपको खेलना जरूरी है, अगर आपको बुरे चीजों से पीछे रहना है तो आपको स्पोर्ट्स के मैदान में आना जरूरी है। और इवन गवर्नमेंट भी अभी इतनी मतलब इस चीज के पीछे है कि बच्चों को स्पोर्ट्स में हमें इन्वॉल्व करना है। तो मैं ये कहना चाहूंगा आप सबको कि यहाँ की जो अवकाश कमेटी है, जो दूसरे जीशोर आवाम है, आप उनसे बात कीजिए, उनको आप मोटिवेट कीजिए। और अगर इस जगह को आप थोड़ा सा डेवलप कर रहे हैं, इस जगह को थोड़ा बढ़ा रहे हैं, अराजी जमीन अगर है लोगों ने कब्जे में किया, तो उनसे आप बात की, झगड़ा किसी से नहीं करना है। यहाँ अगर और कहीं पे अल्टरनेटिव है, आरएडी मेरे जितने दोस्त साहिब सुहेल साहब यहाँ के हैं, तो ये अक्सर हर मुद्दे को उठाते हैं, तो साहिल भाई आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप यहाँ के हो। अगर मैं इस ग्राउंड के लिए कुछ नहीं करूंगा तो मुझे कोई दोष नहीं देगा, लेकिन आप यहाँ के बस्किनदार हो, आप यहाँ के बाशिंदे हो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। यहाँ से एजाज साहब मुझे अक्सर सपोर्ट जो भी यहाँ पे एक्टिविटी होते हैं उसके पोस्ट भेजते रहते हैं, ऑल सपोर्ट जे एंड के पे हम हर दिन यहाँ से पोस्ट करते हैं, तो अक्सर लोग मुझे वहाँ पे अनंतनाग में बोलते हैं, अरे भाई आपने वो ग्राउंड देखा है क्या, वो कितना छोटा है, आप उसको इतना प्रमोट क्यों कर रहे हो। मैंने कहा नहीं भाई, कहीं पे भी अगर सपोर्ट्स एक्टिविटी हो रही है तो हमारा फर्ज बनता है कि उसको प्रमोट करें। तो इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से भी कोशिश करूंगा कि इस ग्राउंड के लिए हम इसको हाईलाइट करेंगे, और जो भी मुमकिन इसके लिए कोशिश है तो हम उसके लिए आगे हमेशा आएंगे। तो मुझे लग रहा है जो यहाँ पे जो किरम क्रिकेट एसोसिएशन है उनको भी आना चाहिए, क्योंकि हम कश्मीर के बदकिस्मती है, हम हर चीज चाहते हैं कि गवर्नमेंट करे, लेकिन आप अपने लेवल पे भी बहुत कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। आप डगआउट अपने लेवल पे बना सकते हो, इस ग्राउंड के लिए पानी खुद ला सकते हो, इसमें जो खड्डे हैं गड्ढे उनको आप खुद भर सकते हो, उसके लिए तो उतना मुझे नहीं लग रहा पैसे जरूरी है। तो बाकी जो डेवलपमेंट और इश्यूज है वो गवर्नमेंट ऑलरेडी करेंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है मैं समझता हूँ कि आप लोग खेलने की तरफ आइए, क्योंकि अभी जो स्पोर्ट्स है ये प्रोफेशन बन गया। पहले क्या था कि लिखोगे पढ़ोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, तो सपोर्ट से ये एक प्रोफेशन बन चुका है। आप देखें जो इंटरनेशनल खिलाड़ी है या रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स है, वो क्रिकेट के सिवा खेलों के सिवा कुछ नहीं करते, उनकी कमाई यही से होती है। और आजकल हमने आरएडी पिछले साल से एक इनिशिएटिव लिया है जो बीकेसीए का 40 ओवर टूर्नामेंट है, उसमें क्या है साहिल भाई की सभी टीमों को रजिस्ट्रेशन दिए हैं, लेकिन अभी हम फ्रीयर चालू किया जाए ताकि वो नेशनल इंटरनेशनल या आईपीएल वगैरह तक पहुंचे। तो अगर आपको याद होगा पिछले साल रासिक सलाम एक छोटे से गांव से आए उसी टूर्नामेंट के जरिए, मुझे याद है अभी हमारे वीरी के एक टीम से दुरुपुरा सपोर्ट्स ने खेला, तो दुरुपुरा उसमें विनर रहे, तो उन लोगों के लिए पास मौका है कि अगर वो मेहनत करेंगे तो वो आगे जा सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेहनत जो लोग मेहनत करते हैं वही आगे बढ़ते हैं, तो मुझे लग रहा है जो लोग यहाँ से अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, वो बहुत आगे बढ़ेंगे। मैं देखता हूँ साहिल भाई और एहसान भाई बहुत मेहनत ग्राउंड के लिए कर रहे हैं, आज से मैं भी ये कहूंगा कि मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करूंगा, कोशिश हम ऑलरेडी कर रहे हैं। और दूसरा मैंने देखा तुमिन ट्रेडर साहब, आज पहली बार मैंने इनको देखा, आपके वोकल बहुत अच्छे भाई दौड़ रहे हैं, आप अगर कोशिश करोगे आप अनंतनाग के जितने भी टूर्नामेंट है आप मेरा नंबर लेके रखिएगा, तो मैं आपको उनमें बुलाऊंगा ताकि आप प्रमोट हो जाए, क्योंकि हमारे कश्मीर में टैलेंट बहुत है लेकिन प्रमोट नहीं हो रहे हैं वो। लेकिन जब तक आप खुद सामने नहीं आओगे तब तक शायद आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता है, तो इसलिए आप क्या कीजिए, आप कंटिन्यू कीजिए, थोड़ा सा उर्दू को आप करेक्ट कीजिए, ज्यादा फालतू बोलने की भी जरूरत, जो डायरेक्ट पॉइंट है टू द पॉइंट वो चीजें बोलिए, ठीक है। तो मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ भाई, ये मतलब नहीं है बिल्कुल, ठीक है बिल्कुल, आप बहुत ज्यादा आपके वोकल बहुत ज्यादा दौड़ रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ अक्सर कमेंटेटर बोलते कुछ होते हैं ग्राउंड में कुछ और होता है, तो एक कॉन्सेप्ट नहीं होता, लेकिन आपका बहुत सही दिख रहा है मुझे, तो आप मेहनत कीजिए, इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से आपको प्रमोट करने की। आरएडी में समझता हूँ कि यहाँ के यहाँ से खिरम से
बहुत सारे ऐसे पर्सनालिटीज हैं जिनको पूरे डिस्ट्रिक्ट में जानते हैं, खासकर साहिल भाई है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में क्रिकेट से भी कोई लेजेंड यहां पे पैदा हो, इस चीज की मैं उम्मीद करूंगा। बाकी जो हमसे हो सकता है आने वाले वक्त में, इंशाल्लाह हम उस चीज के लिए आपकी मदद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमें बुलाने के लिए। साहब तो उन्होंने भी बहुत अच्छी बातें की हैं, तो चलिए काफी देर आगे बढ़ते हैं हम, और रनर अप कप्तान जो हैं हम उनको आगे बुलाना चाहेंगे।